सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाते हैं या दिल से ही उतर जाता है। कमल तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। आज का पंचांग 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सम 7:04 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:10 से 4:38 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगी। मकर राशि 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभिनय अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मकता को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसीलिए रोमांस के लिए कुछ समय निकालें। अपने दिल में छुपी इच्छाओं को अभिव्यक्ति दें। एक अचानक और अनियोजित यात्रा की संभावना है, यह यात्रा आपके लिए नए विचार और अनुभव लाएगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। संतान के करियर संबंधित किसी समस्या का हल जरूर निकलेगा। काम करने के तरीके में बदलाव करने से कार्य क्षमता और बढ़ेगी। धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर बिताएं। अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही काम हाथ में लें। काम की अधिकता की वजह से आपको समाधान नहीं मिलेगा। गैर जिम्मेदारी से बचें। परीक्षा की तैयारी करने वाले को पढ़ाई पर जोर देने की आवश्यकता है। समय आपके पक्ष में, इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। असफल प्रेम संबंध के कारण नकारात्मकता बन सकती है। सावधानियां। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, धैर्य रखें। निवेश संबंधित नीतियों पर दोबारा विचार करने की भी जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की तरफ से आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा। आप पूरे मन से कामों पर ध्यान दे पाएंगे। संतान की किसी परेशानी में भी मनोबल बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने साथी से मुलाकात की इच्छा से आज आप उसके लिए कुछ खास करेंगे। आपकी रचनात्मकता रोमांस में आपको नए लोक में ले जाएगी, जहां आप दोनों एक दूसरे में खोकर इस दूरिया को भूल जाएंगे। अचानक टूटा संबंध आपको आहत कर सकता है। आज आप अपने पार्टनर से अपने दिल की इच्छाओं को व्यक्त करेंगे, जैसे आप दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। आपके साथी की तरफ से भी मंजूरी मिलेगी। एक्साइटमेंट की खुशबू से सराबोर हो सकता है। वर्ष को सावधानियां बरतना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। अभी आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और परिजनों की सलाह से आप आज हार को जीत में बदल देंगे। डिप्लोमेट रवैया विलासिता भरा जीवन और नए अवसर प्रदान करने में सहयोगी हो सकता है। आज मनोरंजन और आराम की भी संभावना है। आपके जो भी उन्हें अपने प्रियजनों से शेयर करें। आप इस बोरिंग जीवन से आजादी चाहते हैं और इसके लिए आपको एक सक्रिय मन की भी जरूरत है। आज का समय लाभ को गिनने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी उपयुक्त है। नौकरी और बिजनेस में आज किए गए कामों के अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में भी मिलेंगे। नया काम करने की इच्छा है तो तुरंत फैसला लें।
बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी आत्मविश्वास डगमगा सकता है। मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।